नमस्कार, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। आज चैप्टर फर्स्ट जो है अपना बिजनेस स्टडीज का वो डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जो आपका पहला चैप्टर है उसका एक टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, वो डिस्कस करेंगे आज। जैसे कि बोर्ड पे देख सकते हैं आप, चार ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, पर्सनल और सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं अपने मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। वन बाय वन बिना कोई टाइम वेस्ट करे अपन डिस्कस करते हैं। पहला अपन डिस्कस करते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, ये मीनिंग है अपनी। ठीक है, स्टेक होल्डर कौन होते हैं? वो लोग जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ कॉन्टेक्ट रहता है, जैसे कस्टमर, जैसे इन्वेस्टर्स, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज। इनका क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस के साथ कॉन्टेक्ट रहता है। तो ये जिम्मेदारी है किनकी? बिजनेस की, कि उनकी नीड्स को फुलफिल या सेटिस्फाई करा जाए। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या कर सकती है मैनेजमेंट? पहला ऑब्जेक्टिव पर्सनल में मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट, जो भी प्रोड्यूस करे चीजें वो कम कॉस्ट में हो और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में हो, राइट। सेकेंड, मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्सेज का वेस्ट करना है, मनी, मेटेरियल, मशीनरी, जो भी आपका रिसोर्सेज है उसका। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप वो कस्टमर्स तक डिलीवर तो करने हैं, लेकिन वो सही प्राइस होनी चाहिए उसकी। ठीक है, रीजनेबल प्राइसेस पे। टू अर्न एडिक्वेट प्रॉफिट, ये भी भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई? अपन को ग्लैबिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई, प्रॉफिट कमाना रहता है। तो यहां पर भी वही है ना कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो कैसे सर्वाइव कर पाओगे, राइट? नहीं, लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं प्राइमरी में, मेंटेन गुडविल इन द मार्केट। जैसे गुडविल पता है आप लोगों को, फेम या आपका नाम मार्केट में, वो बढ़ना चाहिए, ये अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका रिकॉग्निशन, नेम, फेम, गुडविल जो है आपकी इंक्रीज हो मार्केट में, लोग बाग आपको पहचाने, आपके नाम की तारीफ हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल को इंक्रीज होना, राइट। ये हो गया अपना प्राइमरी। मूव करते हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव सिंपल सा मतलब है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को हेल्प करे अचीव करने में, राइट। इसमें आता है रिलेटेड टू इंटरनल सिस्टम, इंटरनल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सिस्टम है, एम्प्लॉयज है, वर्कर्स है, स्टाफ है, रिसोर्सेज है, उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करें ताकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपन सेटिस्फाई कर पाए। कैसे? अकम्प्लिश वर्क विद डिजायर्ड एफिशिएंसी, जो भी काम अपन कर रहे हैं वो एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ ठीक वे में, प्लांड वे में, ठीक है, गलतियां कुछ भी नहीं हो, मिनिमम एरर्स अपन कंडक्ट करें या मिनिमम एरर्स अपने हो, राइट। आगे मेंटेनिंग गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड, अपन जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है वो सुपीरियर होनी बहुत जरूरी है, हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन इन वेरियस एक्टिविटी। अच्छा, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक्टिविटीज के बीच, ठीक है, वर्कर्स को पता होना चाहिए कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये, रिसोर्सेज में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, सिंक होना चाहिए आपस में, ठीक है, अपन को पता रहना चाहिए कि भाई एक ऑर्गेनाइज वे में, एक सिस्टमेटिक वे में हर एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करना है, हो रहा है क्लियर? आगे देखते हैं एस्टैब्लिशिंग अफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, बहुत जरूरी है, ठीक है, कि कंट्रोल सिस्टम या सुपरविजन सिस्टम बना के रखना ताकि सब पे नजर रहे कि कौन क्या काम कर रहा है और कौन सा काम कितने टाइम पे पूरा करना है, हो रहा है क्लियर? ये है अपना। लास्ट देखते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मतलब जो भी रिसोर्सेज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है उनका बेस्ट पॉसिबल वे में अपन को यूज करना है, हो रहा है क्लियर? ठीक है, तो ये अपने हो गए सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जो कि अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। मूव करते हैं थर्ड में जो है अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर से, स्टाफ से रिलेटेड हो। भाई तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्कर्स ही तो है जो आपके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अनलेस एंड अंटिल आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे, उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा? तो यहां पर क्या है, पर्सनल में अपन एम्प्लॉयज की, स्टाफ की रिक्वायरमेंट का अपन ध्यान रखते हैं। स्टार्ट करता हूं मीनिंग से, रिलेटेड टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब वर्कर्स या स्टाफ से रिलेटेड होता है, जब भी ह्यूमन रिसोर्स टर्म आती है दैट मीन्स स्टाफ एंड वर्कर्स, तो उनकी नीड्स या उनकी कमिटमेंट या उनके लिए अपन कैसे उनके नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सॉरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल में पहला है कॉम्पिटेटिव सैलरी। जिस भी स्टाफ को, एम्प्लॉयज को अपन ने हायर करा है, सबसे पहला वो क्या चाहते हैं आपसे,
कि उनको सही काम दिया जाए और उस काम के लिए उनको सही सैलरी मिलनी चाहिए, ठीक है। दैट इज कॉम्पिटेटिव सैलरी, जो भी वो डिजायर टास्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी उनकी सही सैलरी या रेम्यूनरेशन है वो सही मिलना चाहिए। यह है आपका पहला। दूसरा देखते हैं, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनकी पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ में दो चीजें नेमली आ जाती है, प्रमोशन और ट्रेनिंग, ठीक है। उनको सही टाइम पे प्रमोट करना और उनको सही वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी बहुत जरूरी है। या हर एम्प्लॉयज ये चाहता है कि उसको प्रमोशन मिले और जो भी काम वो कर रहा है उससे रिलेटेड उसको ट्रेनिंग मिलती रहे टाइम टू टाइम, राइट। थर्ड देखते हैं अपना, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर कलीग। सिंपल सा लॉजिक है। अब काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो आप रिक्वायर करेंगे या आप चाहते हैं कि भाई आपकी रिस्पेक्ट करें, या आपके साथ जो कलीग वर्क कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वर्क कर रहे हैं, उनकी भी मैनेजमेंट रिस्पेक्ट करें। तो ये भी नीड्स हैं या ऑब्जेक्टिव है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। सोशल रिकॉग्निशन, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट हो। सोसाइटी में कब रिस्पेक्ट होगी? जब ऑर्गेनाइजेशन उनसे अच्छा काम कराएगा, उनको उनके टैलेंट या नॉलेज के हिसाब से जॉब देगा ताकि उनका सोसाइटी में भी नाम हो। मेकिंग सेंस। आगे बढ़ते हैं, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन बहुत जरूरी है ना। जो जहां पर भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां पर लाइटनिंग वगैरह, पानी की फैसिलिटी वगैरह, मशीन वगैरह सब ठीक ठाक हो, ठीक है, ताकि कोई इंजरी, कोई डैमेज कॉज ना हो किसी भी एम्प्लॉय को, राइट। क्लियर। तो ये है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। मूव करें सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की टूवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी की क्यों हेल्प करेगी मैनेजमेंट? क्योंकि सोसाइटी ही है जो उनकी फेम, रिकॉग्निशन, गुडविल को बढ़ा सकती है। कैसे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं देखिए। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, आप क्या करिए, आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन या आप कंपनी है तो सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, नौकरियां प्रोवाइड कराइए सोसाइटी के मेंबर्स को, इससे आप अपनी रिकॉग्निशन, गुडविल बढ़ा पाएंगे। फिर है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कम्युनिटी, पैसों की मदद करिए कम्युनिटी को, हॉस्पिटल्स बनाइए, गवर्नमेंट स्कूल्स में डोनेट करिए, चैरिटी करिए, ठीक है, खाने के लिए कुछ भी आप फैसिलिटी बनाइए, पानी के लिए ड्रिंकिंग फैसिलिटी के प्याऊ वगैरह जो है अपनी ड्रिंकिंग फैसिलिटी वो खोलिए। तो कुछ ना कुछ सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहना है। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी बहुत जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ केयर प्रोग्राम, ट्रेनिंग फैसिलिटी, ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोई ना कोई ही आप ट्रेनिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड करा सकते हैं सोसाइटी के मेंबर्स को, ताकि आपका नाम जो है वो स्प्रेड आउट हो, सब में फैले और आपकी रिकॉग्निशन बढ़े, राइट। फिर है यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे प्रोडक्ट आपको बनाने हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए डेंजरस ना हो, हानिकारक ना हो, जिससे एनवायरमेंट को कोई डैमेज ना हो। तो ये चंद आपके सोशल ऑब्जेक्टिव है जिनको आप एक ऑर्गेनाइजेशन ध्यान में रख के फुलफिल कर सकती है और इससे उनकी रिकॉग्निशन, गुडविल, प्रेस्टीज, रिस्पेक्ट, सब कुछ आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या डिस्कस करा आज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट करा, क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़े अपन ने, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि स्टेक होल्डर्स को फुलफिल करते हैं नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को। सेकेंड पढ़ा अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जो कि सिंपल वे में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि वर्कर्स से रिलेटेड होते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं। तो ये था आज का क्लास जिसमें मैंने आज आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट समझाया। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, सब कुछ करिए।